आपका सर? मेरा नाम नेहा राय है। क्या कहेंगे आप लोग जो है प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं? सर हम यहाँ पे पिछले 8 दिन से प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे इतनी गर्मी, बिना किसी सुविधा के यहाँ पे घर छोड़ के यहीं पे बैठे रहते हैं दिन रात सुबह शाम। हम लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, बैकडोर से आते हैं, फिर हमारी कोई बात नहीं सुनता है। उसके बाद हमें धमकी भरे लेटर्स भी दिखा दे रहे हैं कि आप तुम लोग अगर प्रोटेस्ट नहीं खाली करोगे तो तुम्हारे अगेंस्ट कार्रवाई होगी। हमें डराया जा रहा है बेसिकली। हमारे पास लेटर भी है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम दिलीप कुमार गढ़वाल है। आज आप लोग एम्स एक्ट ऑफिस के पास 8 दिन से बैठे हुए हैं, हंगर स्ट्राइक किए हुए हैं और लोगों के बीच में भी जा रहे हैं, डोनेशन भी मांग रहे हैं हॉस्टल बनाने को लेकर, मगर एम्स प्रशासन अभी तक नहीं जागा, क्या कहेंगे? सर देखिए, हम पिछले 8 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट है। पिछले 3 डे से हम रोटेशन में हंगर स्ट्राइक भी कर रहे हैं। हमारे एक एक साथी 12-12 घंटे बैठता है हंगर स्ट्राइक पे और अभी तक एम्स प्रशासन के द्वारा हमें कोई भी ऐसा पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिला है कि हमारी बातें सुनने के लिए। इसलिए हमने एम्स प्रशासन को अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए हम अलग अलग वे में उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम एक कैंपेनिंग चला रखी है डोनेशन की। हम एम्स कैंपस में जगह जगह जाकर के हम डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बार एम्स प्रशासन के द्वारा हमें बोला गया है कि हमारे पास डोनेशन नहीं है हॉस्टल के लिए, तो हम इनको डोनेशन इकट्ठा करके देना चाहते हैं कि आप डोनेशन हम इकट्ठा करके देते हैं, आप हमें बताइए और हमें हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए और जो स्टूडेंट मरता स्टूडेंट अभिषेक मालविया है उसके परिवार को मॉनेटरी कंपनसेशन देना चाहिए। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राहुल जोनवाल है, मैं स्टूडेंट ऑप्टोमेट्री स्टूडेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। क्या कहेंगे जिस तरीके से एम्स प्रशासन आप लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं, इतने दिन रात से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं डायरेक्टर ऑफिस के बाहर, कोई पूछने वाला पानी के लिए भी नहीं पूछ रहे हैं और आप लोग जो हैं डोनेट भी लोगों के पास जा रहे हैं लेने के लिए? हमें ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि एम्स प्रशासन हमें इतना इग्नोर कर रहा है जैसे कि हम कुछ है ही नहीं। रजिस्ट्रार, डीन, डायरेक्टर सर जो भी आते हैं हमें देख के ऐसे निकल जाते हैं जैसे सड़क पे कोई आदमी किसी को देखकर निकल जाता है। हमारा कुछ नाता हो ही ना। एक छात्र की मौत हुई है, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है और इनकी अपनी गलती है, लेकिन ये सब नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। आगे आप लोगों का क्या कदम होगा? अभी हम लोगों ने भूख हड़ताल शुरू करी है, हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं और अगर ये भी नहीं होता है, इससे भी ये लोग नहीं मानते हैं, तो कुछ छात्र आमरण अनशन पे बैठने को तैयार हैं क्योंकि वही एक तरीका बचा है। आप लोग डोनेट भी लेने जा रहे हैं लोगों के पास, कहाँ कहाँ जा रहे हैं? कुछ बच्चे जा रहे हैं, एक तो कुछ बच्चे हमारे ही कुछ छात्र गए हैं एम्स में, जितने लोग हैं जितने पेशेंट आते हैं सब लोगों ने कुछ कुछ डोनेशन किया है इस बात पर कि एम्स के पास पैसा नहीं है हॉस्टल के लिए, तो कोई बात नहीं हम ही कुछ इकट्ठा करवा के इनको दे देते हैं। गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद भी जा रहे हैं आप लोग? हाँ, जहाँ भी जाना पड़ रहा है क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं, ये हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं। अगर इतना ही इनके पास पैसा आ रहा होता तो ये कुछ करते।